फ्रेंड्स वेलकम यू एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई शैल टीच यू पार्ट 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइटल, जिन हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर PCT यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज की जाती है। फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य। एज फर्स्ट है, मैं कल एक पत्र लिख रहा था। तो इसमें सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करना है और आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। मैं कल एक पत्र लिख रहा था तो आई वाज लिखना, आई वाज राइटिंग, आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज राइटिंग अ लेटर Yesterday, yesterday means बीता हुआ कल। I was writing a letter yesterday। तुम आज क्रिकेट खेल रहे थे। तो you सिंगुलर के साथ वर का प्रयोग करेंगे। You were playing, cricket टुडे। वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। दोज बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज। दोज बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। सीता आज अपने गांव जा रही थी। सीता वाज गोइंग हर होम, सॉरी Going her village. Going her village today. वे लड़के मैदान में खेल रहे थे। Those boys playing. सॉरी यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब मिस कर दी है। तो दोज बॉयज वर प्लेइंग, इन द फील्ड। रूल, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है प्लस उसमें ING लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस अदर लिखना है, जो कुछ भी यस्टरडे या टुडे जो भी हो।
सेकेंड बी निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। तो ऐसे सेंटेंसेस में नहीं शब्द आता है तो सिंगुलर में वाज नॉट का यूज करेंगे और प्लूरल में वर नॉट का यूज करेंगे, नॉट। फर्स्ट, राम आज पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो राम सिंगुलर है तो वाज, राम वाज नॉट फ्लाइंग, फ्लाइंग अ काइट टुडे। सेकेंड, सीता निबंध नहीं लिख रही थी। सीता वाज नॉट सीता वाज नॉट राइटिंग एन एसे सीता वाज नॉट राइटिंग एन एसे थर्ड, बंदर पेड़ पर नहीं सो रहे थे। द मंकीज वर नॉट स्लीपिंग, द मंकीज वर नॉट स्लीपिंग ऑन द ट्री। फोर्थ, वे नदी में नहीं तैर रहे थे। दे वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर They were not swimming in the river. Fifth, वह आज विद्यालय नहीं जा रहा था। He was not going to school. He was not going to school today. रूल, सबसे पहले यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। थर्ड सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट टाइप, ऐसे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या शब्द दिया होता है। फर्स्ट टाइप, क्या से प्रारंभ होने वाले शब्द। क्या श्याम आज क्रिकेट खेल रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या श्याम, ये सिंगुलर है इसलिए वाज, वाज श्याम, वाज श्याम प्लेइंग, वाज श्याम प्लेइंग क्रिकेट टुडे, वाज श्याम प्लेइंग क्रिकेट टुडे। क्या तुम आज बाजार नहीं जा रहे थे। वर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, वर यू नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे।
क्या वह तुम्हें नहीं पीट रहा था? वॉज शी नॉट बीटिंग वॉज ही नॉट बीटिंग यू क्या बढ़ई मेज नहीं बना रहा था? वॉज द कारपेंटर वॉज द कारपेंटर नॉट मेकिंग वॉज द कारपेंटर नॉट मेकिंग द टेबल क्या माता जी रामायण नहीं पढ़ रही थीं? वॉज मदर नॉट रीडिंग वॉज मदर नॉट रीडिंग वॉज मदर नॉट रीडिंग द रामायण वॉज मदर नॉट रीडिंग द रामायण रूल सबसे पहले मुझे वॉज वर लिखना है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस फिर मुझे सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट प्लस फिर अगर नहीं है तो नॉट लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर नेक्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकेंड टाइप ऐसे सेंटेंस जिनमें बीच में एक क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे क्यों क्यों कब कहाँ क्यों तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. फर्स्ट है पवन आज गंगा जी में स्नान क्यों कर रहा था. तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को वाई फिर सब बाज वर्ब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वाई बाज पवन वाई बाज पवन वाथिंग बाथिंग इन द गंगा टुडे नेक्स्ट भालू जंगल में क्यों घूम रहा था. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई व्हाई वाज द बियर व्हाई वाज द बियर वांडरिंग व्हाई वाज द बियर वांडरिंग इन द फॉरेस्ट वांडरिंग इन द फॉरेस्ट वांडरिंग इन द फॉरेस्ट वे लड़के क्रिकेट कब खेल रहे थे. तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन व्हेन वर दोज बॉयज व्हेन वर दोज बॉयज प्लेइंग व्हेन वर दोज बॉयज प्लेइंग क्रिकेट
when were those boys playing cricket? फोर्थ, तुम आज कहाँ जा रहे थे? तो क्वेश्चन वर्ड वेयर वर यू, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग टुडे, तुम आज कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग टुडे? मोहन आज क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हाई वाज मोहन नॉट, व्हाई वाज मोहन नॉट रीडिंग, व्हाई वाज मोहन नॉट रीडिंग टुडे? रूल, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब लिखना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस अगर नहीं है तो नॉट लिखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखना है, और बाद में मुझे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर वीडियो। थैंक यू। Oh, 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 oh